से बात करता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, फिर करते हैं बात। शक्तिमान उत्तराखंड से, वो भाई साहब वो सच में बोल रहा है। दिस इज योर कुमाऊनी होटेलियर एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई ऑफिस में सबका खाना ले लिया, देखो इसने गरम करके लेके आया है और सारे बैठ के यहीं पे खाओ भाई। सो वेलकम बैक पीपल। भाई जस्ट अभी रूम पे आया हूँ बस में, और चेंज वगैरह करके भी सेटअप करता हूँ थोड़ा टीवी मेरे। शक्तिमान आजकल मैं शक्तिमान देख रहा हूँ, शुरू के एपिसोड्स देख रहा हूँ शक्तिमान के, और उसी में मैंने दिखाया था एक छोटा सा, मैंने ना वो डाला है, शॉर्ट डाला है कि शक्तिमान उत्तराखंड से है। वो भाई साहब वो सच में बोल रहा है उत्तराखंड। देखना आप मेरा शॉर्ट, देखना शॉर्ट वीडियो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखना उस शॉर्ट को। उसमें बोल रहा है कि उत्तराखंड से है भाई शक्तिमान। तो एनीवे चलो यार, अभी आ गया रूम पे, अभी फाइनली मैं बर्तन धो रहा था, तो बर्तन धोने के बाद मैं बनाऊंगा चाय। कल खरीद के लाया था ये दूध का पैकेट, तो फ्रिज की सुविधा है हमारे पास, हम उसमें डाल दिया फ्रिज में, और तो ये बचा हुआ है इतना। तो भाई चाय बना लेता हूँ पहले मैं। देखो मैं ना सारे बर्तन धो लिए हैं, अभी एक दो बचे हैं, ये धो लेता हूँ और फिर बना लेता हूँ चाय, फिर आपसे बात करता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, फिर करते हैं बात। बढ़िया रोटी बनती हुई देखो यहाँ पे दीपक, बना ही ले या तो। दीपक बेसिकली, दीपक जो है वो मेरा रामू काका है, तो ये यहाँ पे दो जॉब करता है, एक तो रामू काका की और एक मेरे साथ फिर ऑफिस में नौकरी। दीपक रामू रोटी बनाने के बाद तुरंत चाय बनाना, उसके बाद मैं तुरंत तुम्हें दूसरा काम दूंगा, ओके? जैसे ही एक काम करोगे तुरंत दूसरा काम मिलेगा। कपड़े धो दिए जी मालिक, बोल बोलना जी वाली। तो भाई नीरू आई है स्पेशल रोटी बनाने के लिए, कि चल भाई रोटी बना दे हमारी और सब्जी बना दे। भाई साहब ने चिकन बनाया, जहर नमक भर दिया उसमें, वो पूरा हमने डस्टबिन में फेंका है, एक रत्ती नहीं खा पाए, तो इसलिए नीरू को बुलाया कि भाई रोटी और सब्जी बना दे हमारे लिए, ताकि हम अच्छा खाना खा लें। दीपक सही बोल रहा हूँ ना मैं? इधर देख के बोल, सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं बोलेगा अभी, अभी नहीं बोलेगा। नमक भर दिया, जिंदा नमक भरा है इसने, जिंदा। तो भाई लोगों, इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हम लोग घोस्ट राइडर देख रहे हैं आज, ठीक है, जो कि दीपक भाई ने देखी नहीं है, तो इनको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ घोस्ट राइडर मूवी, पहला वाला पार्ट उसका, काफ़ी अच्छी मूवी है। और दूसरी बात मैं क्या कह रहा था यार, कि बिल्कुल आजकल ना, जब से मतलब होटल की जॉब छोड़ी है ना, तो टाइमिंग बड़ा गड़बड़ा सा गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए मैंने व्लॉगिंग वगैरह बहुत टाइम से मैं कर नहीं रहा था, अभी होली से दोबारा शुरू करी है मैंने दोबारा से, मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यूसली वीडियो डालूंगा आगे। बाकी यार टाइमिंग क्या है कि इस नौ, पहले क्या होता था कि 1 बजे जाओ, रात को 12-1 बजे आ रहे हैं, तो उतनी थकान नहीं लगती थी यार, पता नहीं क्यों। आजकल सुबह जाते हैं 10 बजे और शाम को जाते हैं 7 बजे, और ऐसी हालत हो जाती है कि पूछूं मत यार, ऐसा लगता है पत्थर तोड़ के आए हैं ऑफिस में बैठ के, तो यार बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है, तो जिसकी वजह से हम लोग फिर मैं कुछ नहीं कर पाता यार, ब्लॉगिंग तो बहुत दूर की बात है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तो रूम चेंज करने के बाद से ऐसे ही रहा मेरा सब कुछ। और भाई टीवी है इसमें, क्या है कि HDMI केबल जोड़ रखी है हमने, और लैपटॉप रखा है नीचे रखा है लैपटॉप, और भाई इसी में चल रही है मूवी। और नीरू को बुलाया यार रोटी सब्जी बनाने के लिए, हमसे नहीं हो पा रहा यार, बड़ी गंदी सब्जी बनती है, तो ये पास में ही रहती है, तो ये आ गई रोटी और सब्जी बना के चल गई। तो यार ऐसा है, बाकी खाना वाना खाते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको आज अंडा करी बनाई है दीपक भाई ने, अगर अच्छी बनी होगी तो जरूर बताऊंगा। दीपक अच्छी बनी है ना आज अंडा करी? तो चिकन मुझे पता है डस्टबिन में डाला हमने, आई नो दैट, बिल्कुल झूठ है, बहुत गंदा चिकन बनाया था। और बाकी अब अंडा करी खा के बताता हूँ कैसी हो रही है, ठीक है? तो भाई दीपक भाई ने बताई है अंडा करी बहुत अच्छी बनी है, साथ में अचार भी है आम का, तो इनको थैंक यू बोल देते हैं। दीपक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी अंडा करी खिलाने के लिए, आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तो भाई अब हम देख रहे हैं घोस्ट राइडर, और उसके बाद हम जाएंगे सो, सुबह ऑफिस जाएंगे बढ़िया। दीपक भाई एक चाय पिलाएंगे मुझे, अभी बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं ये, इनके अंदर टैलेंट ही टैलेंट है, चाय बनाते हैं बहुत बढ़िया, लाजवाब चाय बनाते हैं, और मैं बहुत बेकार बनाता हूँ, मेरे से नहीं बन पाती चाय, तो ये पिलाएंगे एक चाय हमें, और घोस्ट राइडर मूवी देख के अपन सो के